वेलकम टू करीज ऑफ इंडिया और आज हम बनाएंगे खोत खोतेम। खोत खोतेम एक ऐसी डिश है जो गोवन हिंदू सारस्वत क्यूजीन का हिस्सा है और मुझे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी डिश लगी जहां मैं दालमा की खोज में निकला था और मुझे पता चला कि दालमा सबसे पहली दफ़ा जगन्नाथ टेम्पल में बना था। वहीं पर मुझे ऐसा लगा कि ये इतनी अच्छी डिश है, शायद इसी से इंस्पायर होकर रेस्ट ऑफ इंडिया में भी कोई ना कोई तो ऐसी डिश होगी जो इसके क्लोज आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वेज खोत खोतेम दालमा से इंस्पायर्ड है, बट अगर हम गौर से देखें तो दोनों के इंग्रेडिएंट्स काफ़ी मिलते जुलते हैं। एटलीस्ट बेस मतलब दाल और सब्जियां तो सेम है, खोत खोतेम के अंदर थोड़े और स्पाइसेस हैं, कोकोनट जाता है और एक अलग सा बट्टाना वो जाता है। सो खोत खोतेम बनाने से पहले हम लोग राइस प्रिपेयर करेंगे। पानी बॉईल हो रहा है, वेजिटेबल खोत खोतेम के अंदर जाता है तूर दाल। तूर दाल उसका बेस बनता है, बट्टाना ये सफेद बट्टाना है। इन दोनों को हमने सोक करके रखा है करीबन आधे घंटे के लिए, अब इसे हम बॉईल करेंगे। इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे जब तक कि दाल मैश ना हो जाए। इन द मीन टाइम यहां पानी बॉईल हो गया है। अब हम बनाएंगे एक पेस्ट जिसके अंदर जाएगा कोकोनट, थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च, हल्की सी हल्दी, टैमरिंड का पल्प। राइस उबल गए तो इसे छान लेंगे। दाल अच्छे से उबल गई है, मैश हो गई है। इसके अंदर हम डालेंगे सब्जियां। जो ये डिश है खोत खोतेम, जब इसे हम बनाते हैं पीनट्स के साथ तो इसका नाम होता है खत खतेम, मतलब द स्ट्रेसेस ऑन टी। और जब ये बिना पीनट्स के बनता है तो इसकी जो प्रोनंसिएशन है वो थोड़ी सी माइल्ड हो जाती है, जैसे खत खतेम। ये तैयार है। हमारा वेजिटेबल खोत खोतेम रेडी।